आधे बच्चों को खाना नहीं मिला। हम जब खाना लेने लगे तो मैथ इंचार्ज कैप्टन था जो, उन्होंने मतलब हमारे साथ ऐसे बिहेव किया, ये आज का बिहेव नहीं, जब से ये प्रिंसिपल सर आए तब से यही कुछ हो रहा है और हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितना कुछ हो गया बहुत हो गया, अब हम सह नहीं सकते। मेरे को जब घर भेजा जा रहा था मुझे कोई पता नहीं था यहाँ पे, उसके बाद मेरे को जगह जगह बदनाम कराया गया कि मेन बंदा ये है। मैंने कहा जब एसी चंडीगढ़ जो उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा सर मेरी बात नहीं, यहाँ पे सारे बच्चे आएंगे उनसे बात सुनो, आप यहाँ पे सारे बच्चे हैं पूरे स्कूल की बात सुनाएंगे। तब मेरे को कहते हैं प्रिंसिपल ने कहा एनवीएस जो एनवीएस का डीसी है उसको कहते हैं इसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से कोई नहीं हुआ। आज ये सारे बच्चे यहाँ पे हैं, जब तक एसी एनवीएस का और डीसी यहाँ आएगा उसके सामने ये बात होगी कि ये मेरे मैटर से है किस मैटर से है, ये 2 साल 4 महीने का मैटर है, ये आज का मैटर नहीं है। जब से ये प्रिंसिपल यहाँ पे आया है यही कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यही कुछ हो रहा है। और अगर इस चीज़ में कोई फैसला नहीं होता, अगर कोई बाबा गुलाम शाह बादशाह से आतंकवादी बन सकता है, कहीं से बन सकता है, यहाँ से भी गुंडागर्दी शुरू होगी। इन्होंने गुंडागर्दी मचाई हुई है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बच्चा लेटर एंट्री में आया, उसको बोला गया क्या तो अपनी माँ की शादी में आया, ड्रेस नहीं मिली, उसको ड्रेस मिली नहीं थी, ये बात बोलने की है। और हमें कहते हैं आप घर से भूखे हो, अरे जिन्होंने हमें जन्म दिया वो हमें खिला भी सकते हैं, हम भूखे नहीं हैं, हम एंट्रेंस पास करके यहाँ पे आए, ऐसे नहीं आए। और ये सब नाइंसाफ़ी है, जब तक यहाँ से यूएस का एसीडीसी यहाँ नहीं आएगा, इस स्कूल का नाम जेएनवी कोटरंका राजौरी है, ये बैकवर्ड है। और 7:30 से ये बात चल रही है, एसी करगिल में बैठा है, एसी को जब 7:30 बजे पता चला, एसी को उसी वक्त निकलना चाहिए था कि करगिल से अभी तक एसी यहाँ नहीं पहुँच पाते थे। अब आप चाहते क्या हो? वो आना ही नहीं चाहते थे। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हम इस प्रिंसिपल के साथ नहीं रहेंगे, अगर ये जब परमानेंट स्टाफ चाहिए हमें, परमानेंट स्टाफ चाहिए। यहाँ पे इसने अपने रिलेटिव आके रखे हुए हैं, और हमें क्या जो मेरिट वाले टीचर होते हैं उनको बोलते हैं जाओ आप, आपको नहीं रखना मैंने। और हमें कहते हैं आपके माँ बाप के पास किराया नहीं है, जितने चक्कर में आपको घर से लगवा। सभी टीचर राजस्थान से बुलाए हुए इन्होंने। हम कोई ऐसे थोड़े हैं, हम एंट्रेंस पास करके आए, अगर हमें माँ बाप पैदा कर सकते हैं तो वो खाना भी खिला सकते हैं, हम ऐसे भूखे नहीं हैं यहाँ पे आने के लिए।